वेलकम बैक टू टेक मास्टर फिर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो WPS ऑफिस से रिलेटेड है। अगर आपको एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, अगर आपको मोबाइल में उसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है। तो WPS ऑफिस आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इसका इंटरफेस है। स्टार्ट में आप जाएंगे तो इस तरह का उसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपकी रिसेंट फाइल्स आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अकाउंट बना लेना है अपनी जीमेल से। इसको लॉगिन कर लें या यहाँ पे साइन अप कर लें। तो यहाँ पे आपको फ्री क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, रेज्यूम की, लेटर की समरी, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन। इसमें मोस्टली पेड हैं लेकिन फ्री में भी मिल जाती हैं आपको। उसके बाद टूल्स हैं, क्लाउड स्टोरेज में आपका जो डाटा है वो आ जाएगा। फिर ये रिसेंट पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप ये है कि पिक्चर को आप PDF में, वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरा पे आपने सिंपल जाना है और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर लेना है। तो प्लस के आइकन पे आप जाते हैं, यहाँ पे ऐसा स्प्रेडशीट आ रहा है, पावर पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, PDF। तो सिंपल आपने क्लिक कर देना है। आप न्यू स्प्रेडशीट पे जाते हैं, यहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स आ रही हैं, ठीक है। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस ब्लैंक पे जाते हैं हम, ठीक है, अपनी हमने बनानी है। तो यहाँ पे आप सपोज मैंने एक टेबल बनाना है या तो सिंपल आपने यहाँ पे ये इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है, टेबल आपको नज़र आ जाए। तो इनको मैं सेलेक्ट करके मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। ये नीचे मर्ज लिखा हुआ आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मर्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग डाल लें, नंबरिंग डालनी है, नंबरिंग डाल लें। इस कीबोर्ड के आइकन पे जाएंगे, 1 2 3 पे जाएंगे, 1 डाल दें, ये एंटर का बटन दबाएंगे तो 2। तो इसी तरह अगर ये मैं सीरीज फिल करना चाह रहा हूँ तो वो कैसे होगी, जिस तरह हम लैपटॉप पे तो ड्रैग करते हैं माउस से तो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपने 2 को सेलेक्ट कर लेना, इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे ऐसे ड्रैग कर दी। उसके बाद यहाँ पे इसको स्वाइप करेंगे तो ये फिल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। फिल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह एरोज बने हुए आ रहे हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जहाँ पे आपने फिल करना है। तो मैंने लेफ़्ट करना है, सॉरी डाउन करना है, तो मैं डाउन इसको स्वाइप करूँगा इस पर तो ये सीरीज फिल होगी, ठीक है। इसी तरह अगर इस पूरी सीरीज़ को मैंने कॉपी करना है लेफ़्ट राइट स्वाइप तो इसको फिल पे जाएंगे तो इसको आप यहाँ पर हर जगह कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, सब जगह हो गए। तो नंबरिंग आपने करनी हो तो इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने मूव करना है तो ये लेफ़्ट साइड पे जो नंबरिंग आ रही है रोज़ की, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको प्रेस करके रखेंगे और इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे प्रेस करके आपने स्वाइप करना। तो आप इसको शफल भी कर सकते हैं रोज़ को। उसके बाद आपने अगर यहाँ पे बोल्ड करना है इसको, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। तो यहाँ पे टैब पे जाएंगे तो न्यू टैब में आप चले जाएंगे। अब इसको कलर चेंज करना है, कलर पे जाएंगे, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, ठीक है। टेक्स्ट के कलर के बाद फील कलर, आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है। ये इन 4 बॉक्सेस पे जाते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा इसके ऊपर आ रही है, बाहर आ रही है, होम आ गया, फाइल आ गई, व्यू आ गया, इंसर्ट आ गया, डाटा आ गया, रिव्यू आ गया। तो फार्मूलाज वगैरह अगर आपको कोई लगाना है तो आप यहाँ पर डाटा पर जाएँगे, ठीक है। यहाँ पर ये ऑटो सम, ये फार्मूलाज वाली बार है तो इस पे जाके आप देख सकते हैं एवरेज की, अकाउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। तो मैं यहाँ पे सपोज सम का फार्मूला लगाता हूँ तो ये यहाँ पे देखो उसने ये सारा ऊपर से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सिंपल एंटर दबाएंगे तो ये सम कर दिया उसने। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि ये भी सम हो, सॉरी, यहाँ पे सिंपल इसको क्लिक करके रखूँगा मैं। अब मैं फिल करना चाह रहा हूँ फार्मूला आगे भी जाए ये मेरा, तो ये ऐसे सब पे अप्लाई हो जाएगी।
तो इस तरह यहाँ पे आप टेबल वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने वर्ड यूज़ करना है तो उसका भी सिंपल सा इंटरफेस है, सिंपल यही टैक्टिक्स आपने यूज़ करना है, और यहाँ पे भी वही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ये हेडिंग्स के हैं, अगर आप यहाँ पे कोई थीसिस कर रहे हैं, मैंने कॉपी किया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज ये मैंने एक डाटा कॉपी किया हुआ, ठीक है। अब ये सपोज आपने कॉपी किया, अब इसकी सेटिंग उड़ी हुई है, हेडिंग है ही नहीं, तो हेडिंग आपने यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है इसको, इसको मैंने हेडिंग देनी है, तो ये देख लें हेडिंग वन इसको दे देता हूँ। ये स्टेप टू पे मैं इसको हेडिंग टू दे देता हूँ। इसी तरह आपने ये मेन मेन हेडिंग्स दे दें, ठीक है। उसके बाद स्टेप थ्री आ गया, इसको भी हेडिंग टू दे देता हूँ। तो इस तरह आप हेडिंग्स लगा सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे इसके साथ वन टू थ्री या इसको आपने ऐसे करना है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपने इन सब को कैपिटल करना है या स्मॉल करना है, तो वो भी यहाँ से हो जाएंगे। होम पे जाएंगे आप नीचे, तो ये ऑल कैपिटल हो गए, ठीक है। ये सेंटेंस केस आ जाएगा, तो यहाँ से देख लें आप सेंटेंस केस में आ गए, ऑल स्मॉल हो गए। अब ये स्टेप, अब ये सेंटेंस केस, तो इस तरह आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं इजीली, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, इसमें सारे फीचर्स हैं। तो बैक आ जाते हैं, इसी तरह पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट PDF, तो इनको आप एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मेन ये चीज़ है कि इसकी क्लाउड स्टोरेज है 1 GB की, वो आपको उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।